कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरे में हुक्मरान तबका टामक टोइयां मार रहा है, ये डिजाइन ही नहीं है, ये तो हमें गंदे पानी से मार देते हैं, कोरोना से कैसे बचाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरी दुनिया में परेशानी है, तो पाकिस्तान में भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर अभी इमरान खान कह रहा है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान से लगभग ख़त्म हो चुका है और इसीलिए हमें लॉकडाउन खोलनी पड़ेगी। पर पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने जल्दबाजी की है। इमरान खान ने सिर्फ इकोनॉमी को बचाने के लिए कह रहा है कि लॉकडाउन खोल दो बिना किसी तैयारी किए। पाक मीडिया कह रहा है कि बिना किसी तैयारी किए लॉकडाउन खोलने से कोरोना फिर से बेकाबू हो सकता है, और कोरोना अगर फिर से बेकाबू हो गया तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी फिर से बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। सईद काजी साहब की जानब चलती हूँ। काजी साहब, अब बात एम्फेसिस यही है कि ठीक है, ऑब्वियसली हमारी ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है, हम इस तरह बंद नहीं रख सकते, बट एट द सेम टाइम ये जो परसेप्शन आ गई है कि मुबारकबादें दी जा रही हैं, एक दूसरे को कहा जा रहा है जी हमने जंग शायद जीत ली है, अभी जंग वो जीती नहीं गई, अभी इसके साथ रहना है जब तक वैक्सीन कम से कम नहीं आती, और हमारे पास तो आते आते भी बहुत टाइम लगेगा। आगे मुहर्रम जो है वो आ रहा है, आपकी टूरिज्म खुल रही है, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो चोक हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ऐसे में हमारी कौम रेडी है, हम एक जो अपने आप से जो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने के लिए हम तैयार हैं और इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? देखिए, हुक्मरान तबकात बड़ी बड़ी इस्तलाहें वज़ा करते हैं। आजकल जो इस्तलाह वज़ा की गई है, जो जो इंसान और जिल्लत में गिरता है तो उसे न्यू नॉर्मल कहते हैं। अब ये न्यू नॉर्मल है। एक चीज़ मैं आपको और अर्ज़ कर दूं, परवेज़ मुशर्रफ ने एक तकरीर में, एक गुफ्तगू में नेपोलियन बोनापार्ट को कोट करते हुए कहा था कि उसने, उसका कहना था उनके मुताबिक कि उसके जितने इकदाम हैं उनमें से 25% ऐसे होते हैं जैसे वो अंधेरे में छलांग लगा रहा है, और परवेज़ मुशर्रफ का कहना था मुझे तो 100% ही ऐसे लगते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो तरीके हुक्मरानी है, मैं आपको एंटोनियो गुटेरेश जो सेक्रेटरी जनरल है इसका यूनाइटेड नेशन का, उसकी भी जो ट्वीट आई थी, मैं उसका एक फिक्र आपको बताता हूँ। वो कहता है कि हम तमाम जो इंसान हैं दुनिया के, समंदर की एक लहर पे तैर रहे हैं, मगर बिल्कुल हम में से कुछ ऐसे हैं जो सुपर यार्ड्स में हैं, बड़ी आली शान किश्तियों में बैठे हुए हैं जहां हर फैसिलिटी है, और हम जो अक्सरियत है हम किसी जहाज के मलबे से चिमटे हुए अपनी जिंदगी की सांसें गिन रहे हैं। इमरान खान क्या करें ना खोले, तो वो क्या करें, वो कहते हैं बंदे मरते हैं तो मरने दें, मईशत खोलें। तारीख, यानी एलन वुड्स का कहना है कि ये 1930 का रिकॉर्ड नहीं टूटा, ये 300 साल पहले का रिकॉर्ड नहीं टूटा, जैसे जो उसने कहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साबका चीफ ने। वो कहते हैं कि ये जो ब्लैक डेथ थी 13वीं और 14वीं सदी में, जिसके बाद तारीख के कब्रिस्तान में जागीरदारी समाज दफन हो गया था और सरमायादारी तुलू हुई थी, ये उतना बड़ा वाकया लग रहा है। अभी आप, मैं आज सुबह में मैं देख रहा था आपके ये फाइनेंशियल टाइम्स देख रहा था, इसमें मैं हैरान हूं कि ये क्या किधर जा रही है मईशत। 1930 के रिसेशन में बेरोजगारी आते आते 15 महीने लगे थे, ये 15 दिन हो गए हैं। आज एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसने उनके पैसे काटे हैं, $600 से $400 कर दिए हैं पर हफ्ता। कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरे में हुक्मरान तबका टामक टोइयां मार रहा है, ये डिजाइन ही नहीं है। इनका सारा निज़ाम, इनकी आला जो रिहायशें हैं, जो गेटेड कम्युनिटीज है, उसके लिए था, हमारे लिए तो था ही नहीं। ये तो आज पता लगा कि जनाब ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितना 80 से जो इन्होंने ये सरमायादारी इंट्रोड्यूस कराई है, ये तो मेरे मुझे, ये तो हमें गंदे पानी से मार देते हैं, कोरोना से कैसे बचाएंगे। और आज हम बच गए हैं, ठीक कहते हैं भट्टी साहब, अल्लाह ताला का करम था, हमारी इम्यूनिटी थी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्या कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपके शो में कहा था, जहां सुराब गोट हो, जहां 77% कराची इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहता हो, वहां दीवाने का ख्वाब है कि आप कर सकते हैं। अब एक चीज बच सकती है कि जो जिंदा बच जाएंगे, जिनमें ताकत ज्यादा है कोरोना से लड़ने की, वो भी आए और इस मईशत को संभालें। इन मेहनतकशों को कहो आओ जान पे खेलो और मईशत को चलाओ, ताकि हम ऊपर का धंधा कर सकें, ऊपर की लूट मार जारी रख सकें, जो तुम्हारा अनपेड वेजेस हैं वो खा सकें। तो इसलिए यहां कुछ नहीं हो सकता। इमरान, ये कराची साफ करें ना आप अमरीका की फौज बुला लें, जब तक कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है वहां, वो साफ हो सकता है? ये पूरा निजाम, ये कुएं में से कुत्ता निकालें,
पानी ना निकालें, निकाले। जब तक इस निजाम का कुत्ता कुएं से बाहर नहीं निकलता, आप जितने मर्जी डोल बाहर निकालते रहेंगे बदबू आते। इमरान खान बंद करेगा फिर भी उस पर तनकीद आएगी, नहीं बंद करेगा फिर भी आएगी। जी पॉइंट आ गया। चलिए दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं। तो इमरान खान ने पहले लॉकडाउन बहुत हिचकिचाते हुए किया था। पहले तो उसने लॉकडाउन करने से मना कर दिया था, और फिर जब भारत ने लॉकडाउन किया था तब पाकिस्तानियों ने कहा था कि भारत ने तो लॉकडाउन कर लिया है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता। तो उसी हालत में इमरान खान ने ना ना करते हुए लॉकडाउन किया, और फिर कुछ जगह पे लॉकडाउन खोल भी दिया ये कह के कि यहाँ पे कोरोना नहीं है तो यहाँ पे लॉकडाउन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और उसने लॉकडाउन खोलने के लिए बहुत सारे बहाने बनाए थे, और एक बार तो उसने मोदी जी के बारे में ऐसा झूठ बोला था कि मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन करने के लिए लोगों से माफ़ी मांगी थी, जो एकदम गलत बात थी। इमरान खान ने मोदी जी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया था, और ये इतना बड़ा झूठ था कि उस वक्त भी पाक मीडिया ने इमरान खान की पोल खोल दी थी। पाक मीडिया ने कहा था कि इमरान खान को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और लॉकडाउन अच्छे से करना चाहिए, पर इमरान खान ने जो लॉकडाउन किया था पाकिस्तान में वो उसने एनफोर्स भी नहीं किया, मतलब कि लोग बाहर घूमते रहे और इमरान खान ने कुछ नहीं किया उन लोगों को रोकने के लिए, ना उनसे कहा कि घर में रहो और ना ही पुलिस को कहा कि लॉकडाउन एनफोर्स करो। तो पाकिस्तान में जो लॉकडाउन था वो ना होने के बराबर था। और अब जब बहुत सारे लोग कह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो रहा है, तो इस वक्त इमरान खान को एक नया कारण मिल गया लॉकडाउन खोलने के लिए। तो इसी वजह से पाक मीडिया ये बात कर रहा है कि इमरान खान क्या सही कर रहा है लॉकडाउन खोल के। तो चलिए अब पाक मीडिया जो कह रहा है उस पर बात करते हैं। पाक मीडिया ने सही कहा, इमरान खान जो कह रहा है कि हमने कोरोना को ख़त्म कर लिया और पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है, ये सब गलत बात है और इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन देशों ने लॉकडाउन खोला था ये कह के कि कोरोना ख़त्म हो गया है, उन देशों को फिर से लॉकडाउन करना पड़ रहा है। और इनमें से सबसे पहले न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने ये घोषित किया था कि उनके देश में और कोरोना के केसेस नहीं है, और कुछ ही दिनों पहले फिर से कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड में लॉकडाउन करना पड़ा। तो इमरान खान का ये कहना कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है ये एकदम गलत बात है, और भविष्य में ये इमरान खान के लिए परेशानी बन जाएगी, क्योंकि कोरोना फिर से आएगा ये तो हर देश कह रहा है, क्योंकि हर देश में ऐसा ही हुआ है। तो पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और पाक मीडिया ने सही कहा, इमरान लॉकडाउन एकदम गलत समय में खोलने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी तो उसमें कोरोना के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और पाक मीडिया जो यहाँ अमीर गरीब की बात कर रहा है, तो कोरोना के मामले में ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि कोरोना अमीर गरीब नहीं देखता। कोरोना अगर पाकिस्तान में बेकाबू हो गया तो अमीर गरीब दोनों पर फर्क पड़ेगा। पर मैं समझ सकता हूँ कि पाक मीडिया इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमने लॉकडाउन करके रखा तो गरीब लोगों पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है लॉकडाउन के वक्त अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, और अमीर लोग तो बहुत पैसे वाले हैं तो लॉकडाउन से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला पाएंगे। तो गरीब लोग लॉकडाउन के वक्त अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक चला सके, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। तो सरकार अगर इसमें नाकाम हो गया तो सरकार गरीब लोगों की ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रही है लॉकडाउन खोल के? सरकार उन गरीब लोगों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि वो लॉकडाउन के वक्त अपनी ज़िंदगी चला सके? इसका मतलब कि लॉकडाउन के वक्त गरीब लोगों को खाना सप्लाई करो और देखो कि गरीब लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि लॉकडाउन से गरीब लोगों पर असर पड़ता है तो ये सही बात है, पर इसका इलाज ये नहीं है कि बिना कोई तैयारी करके लॉकडाउन खोल दो, क्योंकि बिना किसी तैयारी किए अगर हम लॉकडाउन खोलेंगे तो इसमें गरीब लोगों का नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉकडाउन खोलने के बाद भी
अमीर लोग तो अपने घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ गरीब लोग ही बाहर घूमेंगे क्योंकि उन्हें रोजगार तो कमाना पड़ेगा। तो पाक मीडिया का ये लॉजिक एकदम गलत है, पाक मीडिया गलत टाइम पे गलत लॉजिक लगा रहा है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे पता है लॉकडाउन खोलना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां होती है, पर लॉकडाउन खोलने से पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वो रूल तो फॉलो करवाओ। अगर ये सब रूल फॉलो ना करवा के इमरान खान ने लॉकडाउन खोला तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।